तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले कि टाटा पंच का जो है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मिरर कंट्रोल्स है। तो मैं आपने सोचा कि मैं आपको नॉलेज तो देता ही रहता हूँ, तो आज मैं आपको बताने वाला, ये जो आप मिरर्स देख रहे हो दोनों तरफ, ठीक है, तो दोनों तरफ जो आप मिरर्स देख रहे हो, इससे मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे इसे अच्छे तरीके से कंट्रोल करो, सही तरीका क्या कंट्रोल करने का, ठीक है, और आप कैसे कैसे इसे कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ गाड़ी को जो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, तो अरे वो कंट्रोल होता कैसे, ये आप लीवर देख सकते हो, इसका मैं इधर कर देता हूँ, यहाँ पे आप लीवर देख सकते हो, यहाँ पे जो लीवर आप देख सकते हो, यहाँ पे यहाँ मैं क्या करूँगा, इसे इस तरह से राइट तरफ से कर दूंगा। राइट तरफ से होगा क्या कि अब जितना भी मतलब ये जो आप बोल सकते हो आप एक कंट्रोलर की जॉयस्टिक, ये जॉयस्टिक जो है, जॉयस्टिक जो ये वाला देखो कंट्रोल अब मिरर करेगा। तो अभी देखो मैं इसे नीचे की ओर करूँगा, तो नीचे की ओर करने से तो नीचे की ओर जो है वो हो रहा है। अगर मैं इसे इधर की साइड करूँगा, इधर की साइड, तो देखो ये इधर की साइड भी हो रहा है, ठीक है। ये देखो इस तरह से मैं अच्छे तरीके से इसे एडजस्ट कर लेता हूँ। अब देखो सही तरीका एडजस्ट करने का क्या होता है ना मिरर्स का, आप देख सकते हो थोड़ा सा मेरा गाड़ी भी दिखना चाहिए और थोड़ा सा पीछे वाला गाड़ी दिखना चाहिए, ठीक है, समझ गए। देखो अभी मेरा जो गाड़ी है वो अगर मैं ड्राइवर मतलब दिखाऊँ अपने आँखों से, तो देखो मुझे कुछ इस तरीके का व्यू जो है वो आ रहा है, तो ये भी सही रहता है। अगर आप चाहते हो तो इसको थोड़ा और उधर कर लो, सिर्फ थोड़ा सा गाड़ी अपना रखो ताकि आपको दिखे कि आपका गाड़ी से वो कितना दूर है, ठीक है। तो अभी देखो जैसे कि मैंने एडजस्ट कर लिया, देखो जैसे कि ये बोलेरो आ रहा है यहाँ से, तो अभी जो ये बोलेरो आ रहा है तो मुझे पता चल रहा है कि मेरे गाड़ी से कितना दूर है और कब ये आके मतलब सटेगा। तो इस तरह से आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। अब बात करें तो इधर वाले मिरर्स के लिए, तो इधर वाले मिरर्स के लिए कुछ मतलब अलग तो है नहीं, वैसे ही होगा, लेकिन मैं चलो आपको बता दे रहा हूँ। तो इधर वाले मिरर्स के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस इसे सिंपली इधर कर देना है, लेफ्ट साइड कर देना है और फिर वैसे ही कंट्रोल करना जैसा आपको चाहिए। उस वाले मिरर के लिए देखो कैसे कंट्रोल करना चाहिए, देखो मैं अभी अब आग के सामने रख लेता हूँ, अब आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से थोड़ा सा आपका गाड़ी जो है वो दिखने रहना चाहिए और थोड़ा सा जो आपको अपना जो मिरर है उसका यूज़ करते रहना चाहिए। IRVM जो आपको आप देख सकते हो एडजस्ट अगर करना है तो आपको एकदम सिंपली IRVM में जब भी देखो तो लगे ही नहीं कि कोई बॉडी है, सीधे आपको ग्लास दिखना चाहिए, ठीक है, सीधे आपको ग्लास दिखना चाहिए। तो वैसे होगा क्या कि आपको विजिबिलिटी भी अच्छा आएगा और आपको ज़्यादा कुछ दिक्कत भी नहीं होगा गाड़ी में और अच्छा खासा आपका चल भी जाएगा। और ये रहा कुछ सेटिंग्स, मैंने बता दिया है कि कैसे आप टाटा पंच का मिरर अच्छे तरीके से जो करेक्ट हुए, तो ये सभी गाड़ी में एप्लीकेबल है कि चाहे सही जो है वो क्या होता है मेथड। तो इतना आप यहाँ पे गाड़ी थोड़ा सा दिख रहा है और यहाँ पे बाकी सब जो है पीछे से जो गाड़ी आ रहा है वो सब देखने के लिए। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव हमेशा बनाते रहता हूँ वीडियो, तो आप लोग सब्सक्राइब भी करो, लेकिन और सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।